नमस्कार दोस्तों, एग्री सेट के एक चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं पिछले वीडियो में की थी, इसमें भी कि हुरल के जो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के लिए जो ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं उसके बारे में कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इनको आप देख के जा सकते हैं सरसरी नज़र से, यानी कि जल्दी जल्दी में कुछ अगर जो आ जाए तो आपका हो जाएगा, वरना फिर मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि उसमें आपको जो भी दिया हुआ है अपना, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दें, इंट्रो के बाद जो भी आपको टॉपिक्स दिया गया है उसके बारे में बोलें। तो प्रत्येक कैंडिडेट को टाइम दिया जा रहा है, फिश मार्केट नहीं हो रहा है पहले की तरह, सबको अपना अलग अलग टाइम दिया जा रहा है। और उसमें जो अपन को अगर जो आता है, पहली बात तो अगर जो टॉपिक आपके पक्ष में तो आप बोल रहे हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं भी बोल पा रहे हैं तो अब जो टीम वहाँ पर बैठाई गई है उनकी, तो वो भी इंटरफेयर कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सबको टाइम दिला रहे हैं स्लॉट में, अगर जो आपकी बोलने नहीं दे रहे हैं। और कैंडिडेट तो आपको नाम लेके बाकायदा बोलते हैं कि भाई आपका भी ओपिनियन रखिए, तो आप ओपिनियन रख सकते हैं, आप कुछ बेहतर ढंग से हो रहा है पहले के बजाय, और कंक्लूड भी करवा रहे हैं तो कंक्लूड भी करना ज़रूरी है। अगर जो जो आपको अच्छा लगे, सबसे पहले तो बात ये आती है, आप अपना इंट्रो कुछ नहीं बोलना है, आपको डिग्री विग्री कुछ नहीं बतानी, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो, बस ये बताना है। जैसे जो भी है, माई नेम इज़ ये और आई कम फ्रॉम जो भी हो वो करके आप, और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें आप बोल सकते हो शुरू से ही, बाकायदा इंट्रो से ही, क्योंकि उनको आपका लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सबसे बड़ी चीज़ होती है किस तरीके से आप हैंडल करते हो उस चीज़ को, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर जो वहाँ पे और लोग भी बोल रहे हैं, क्राउडिंग हो रही है, तो आपको किस तरीके से मैनेज कर पाते हो आप उसमें, तो क्राउडिंग भी होगी, आपको अपना टारगेट बना के रखना है। और बाकी यहाँ पे जो मैंने ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक्स रखे हैं कुछ 2020-21 से संबंधित जो चल रहे हैं, तो उनको देख के जा सकते हैं, इनमें से एक एक दो दो मिल भी रहे हैं। तो ये इस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के हैं, ई लर्निंग के प्रोज और चैलेंज, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रोज और चैलेंज को एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोलते हैं, क्वेड क्या होता है, और OTT है, थिएटर है, इनका कंपेरिजन करवाते हैं, प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया, भाई प्राइवेट प्राइवेट हो रहा है जैसे कुछ एयरपोर्ट्स का, ट्रेन्स का, तो वो सही है या नहीं है। तो आप ये और टॉपिक हैं यहाँ पे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ इनके बारे में थोड़ा सा ही पता हो आपको, क्योंकि वहाँ पे इतना ही टाइम मिलता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है आपको, 15 17 15 कैंडिडेट होते हैं उस ग्रुप में, आधे घंटे के लिए होता है, उसमें इंट्रो आ जाता है और एक एक लाइन कुछ भी आप जो 2 लाइन बोल पाते हो 15 20 सेकेंड वो मिलती है, और फिर कंक्लूड करवाते हैं, इतना ही टाइम हो पाता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा देख जाएँ, आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक है और इसके बारे में ये है। और बाकी जो कुछ टॉपिक्स आते हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डालता हूँ, या जो ग्रुप होते रहते हैं उनसे चर्चा होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डेली के ग्रुप डिस्कशन जो जो हो गए किस टॉपिक पे थे, तो वो मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू।